नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को एक खास समस्या कभी कभी डेवलप हो जाती है, वो होती है समस्या स्लिप डिस्क की और शियाटिका की। खास तौर से जो पेशेंट हैं वो हमेशा शियाटिका को साइटिका साइटिका बोलते हैं। तो ये साइटिका एक जनरल प्रोनाउंसिएशन अब इसका बन चुका है, वैसे यदि देखा जाए तो इसको शियाटिका कहना चाहिए। तो ये जो शियाटिका या स्लिप डिस्क की जो समस्या होती है, ये एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक कोरिलेटेड होती हैं। कई लोग जिनको शियाटिका की प्रॉब्लम होती है उनको हो सकता है कि स्लिप डिस्क हो, और जिन लोगों को स्लिप डिस्क की शिकायत होती है उन लोगों को तो 100% शियाटिका की शिकायत देखने को, यानी कि साइटिका की शिकायत देखने को मिलती ही है। अब ये जो समस्या होती है दोस्तों, किसी भी कारण से हो सकती है। मान लीजिए किसी को कोई भारी वजन उठाना पड़ा और उसने एकदम से भारी वजन उठा लिया, उस कारण उसको स्लिप डिस्क हो सकता है, जिसके कारण बाद में शियाटिका डेवलप हो जाए। या फिर हो सकता है कि वो कभी कहीं गिर पड़ा हो, चोट उसको लग गई हो, और खास तौर से रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी हो, जिसके कारण उसकी जो वर्टिब्रा थी, यानी कि रीढ़ की हड्डी के गुरिये जिन्हें कहा जाता है, उन गुरियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, सेमी सॉलिड मटेरियल भरा रहता है, जिसे डिस्क कहा जाता है, एक जिलेटिनस मटेरियल होता है, वो अपने स्थान से हट के बाहर की तरफ आ जाता है और नसों को दबाने लगता है। तब उस कंडीशन में भी उनको नसों के दबने के कारण स्लिप डिस्क में शियाटिका के सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कई लोग कहते हैं L4 L5 में स्लिप डिस्क हो गई है। इसी कंडीशन को हर्निएशन भी कहा जाता है, हर्निएशन थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, होम्योपैथी में इन दोनों बीमारियों के लिए बहुत खास दवाएं उपलब्ध हैं जो पूरी तरह से इनको ठीक कर सकती हैं। इनमें से आज एक मेडिसिन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, इस क्रम को मैं कंटिन्यू बना के चलूंगा, धीरे धीरे आपको इसकी सारी दवाएं बताऊंगा, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पर ही होम्योपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज पहली मेडिसिन के रूप में मैं आपको बताऊंगा ग्नाफेलियम के बारे में। ये ग्नाफेलियम है मेरे पास 30 पोटेंसी में, इसका पूरा नाम होता है ग्नाफेलियम पॉलीसिफेलम। ये मेडिसिन होती है दोस्तों ग्नाफेलियम, ये शियाटिका और स्लिप डिस्क के उन केसेस में पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, और बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल मेडिसिन है, मतलब कि एक लगभग स्पेसिफिक दवा है उन केसेस में जहाँ की पेशेंट शियाटिका के, साइटिका के और स्लिप डिस्क के वे केसेस जहाँ पेशेंट में नंबनेस आने लगती है पैरों में। नंबनेस यानी कि जिसे सुन्नपन कहा जाता है, झुंझुनी टाइप की, जिसे बहुत सारे लोग झुंझुनी कहते हैं, सुन्नपन जिसे कहते हैं, पैरों के सेंसेशन को जहां पे महसूस करना असंभव होने लगता है, जिन्हें पैरों के जो तलवे हैं वो महसूस नहीं होते हैं, उंगलियां महसूस नहीं होती, काफ मसल यानी कि पिंडलियां महसूस नहीं होती हैं, तब उस कंडीशन की सबसे अच्छी मेडिसिन, अनक्वेश्चनेबल मेडिसिन मानी जाती है ये होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में, जिन लोगों को भी इस तरह का साइटिका हो। अब पेशेंट को ज़्यादातर तो राइट साइडेड साइटिका के केसेस में ये दी जाती है, लेकिन फिर भी चूंकि इसका जो मेन सिम्टम है वो नंबनेस है, तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ पेशेंट को ग्नाफेलियम दी जाए उसके लेफ्ट साइड की नंबनेस के लिए भी, तो भी ये अपना काम पूरी तरह से करती है। किताबों में तो राइट साइडेड खास तौर पे लिखा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव मेरा ये कहता है कि लेफ्ट साइडेड भी अगर सियाटिका है और एसोसिएटेड है वो नंबनेस के साथ, तो भी ये मेडिसिन उस पर काम जरूर करती है। तो इसी मेडिसिन के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसके साथ में यदि हम इसके अगले सिम्टम की बात करें तो गठिया के जो केसेस होते हैं, गठिया के केसेस में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, खास तौर से वो लोग जो बिस्तर पे लेटने के साथ ही जिन्हें गठिया का दर्द तेज हो जाता है, गठिए के दर्द के साथ भी वहाँ पे सुन्नपन एसोसिएटेड होता है, नंबनेस एसोसिएटेड होती है, उन लोगों को भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। इसके साथ साथ इसको क्रॉनिक मस्कुलर र्यूमेटिज्म की बड़ी शिकायत होती है। यदि इसके केवल सिम्टम की बात की जाए तो इसको पूरे मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, खास तौर से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही वो जाके बिस्तर पर लेटता है इसको पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है, शियाटिका का पेन इसका एग्रावेट हो जाता है। इसके साथ में इसको एंकल जॉइंट में यानी टखने में भी इसको दर्द होने लगता है, और बड़ी उंगली जिसे कहा जाता है या अंगूठा जिसे कहा जाता है, बिग टो सामान्यतः उसको कहते हैं, अंगूठे में इसको रूमेटिज्म की शिकायत होती है, अंगूठा मोड़ने में भी बड़ी तकलीफ होती है, और पैर के अंगूठे की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, और इसके साथ साथ वहां पे पैर के अंगूठे में सुन्नपन भी आने लगता है। तो जिन लोगों को इस तरह का सिम्टम है गठिया का,
कि जिनको रूमेटिज्म की शिकायत है, जिनको मस्कुलर पेन बहुत हो रहा है, उसके साथ साथ खास तौर से क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्रैम्प्स यानी कि एक तरह की मरोड़ पड़ने लगती है पिंडलियों में, तो ये बहुत खास सिम्टम होता है। रात के समय जब पेशेंट बिस्तर पे जाके लेटा है तो पैरों में पिंडलियां जो होती हैं, काफ मसल जिसे कहा जाता है, उस पूरे काफ मसल में क्रैम्प आने लगते हैं, मरोड़ जैसी पड़ने लगती, ऐंठन जिसे कहा जाता है, ऐंठन पड़ने लगती है, तब भी ग्नाफेलियम पेशेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ साथ में दोस्तों फीमेल जेनाइटेलिया पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि महिलाओं से संबंधित जो हार्मोनल चेंजेस उनके हर मंथ होते हैं, पीरियड्स जिसे कहा जाता है, उसमें भी ये मेडिसिन बड़ा काम करती है। डिसमिनोरिया के केसेस में उनकी बड़ी हेल्प करती है, खास तौर से वे महिलाएं जिनमें पीरियड्स के टाइम पे बड़ा दर्द होता है, जिसे डिसमिनोरिया कहा जाता है, उस कंडीशन में यदि उनको बहुत ज़्यादा दर्द है और वो दर्द कहीं नंबनेस के साथ एसोसिएटेड भी है, मान लीजिए उनको थाइज में दर्द जाता है, कई महिलाएं होती हैं जिनको जांघों में थाई में बड़ा दर्द होता है, तब उस कंडीशन में भी ग्नाफेलियम हेल्प करती है, लेकिन इसका जो सिम्टम है वो है नंबनेस के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे थाइज में पेन के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे बाइबरनम ओप्यूलस है, वो भी एक मेडिसिन है जो लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के रूप में उन महिलाओं की सहायता कर सकती है। यदि हम इसके पेट से संबंधित सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसको बड़ा पेट दर्द होने की भी शिकायत होती है और कोलेरा जैसे इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, कभी कभी इसको वोमिटिंग की शिकायत भी होती है, उल्टी आने लगती है और लूज मोशन कभी कभी इसको हो जाते हैं, पतले पानी जैसे, सफ़ेद पानी जैसे लूज मोशन इनको होते हैं, चावल के माण जैसे इसको दस्त लगने लगते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये खास तौर से ग्नाफेलियम के लिए देखे जाते हैं। यदि हम इसके बैक की बात करते हैं, यानी कमर की बात करते हैं, चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि स्लिप डिस्क से इसका एसोसिएशन रहता है, साइटिका के जितने भी केसेस होते हैं उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्लिप डिस्क से एसोसिएटेड भी होती है, तो लंबर रीजन जो होता है खास तौर से, स्लिप डिस्क कहीं की भी हो सकती है लेकिन लंबर रीजन जो होता है जहाँ पे L1, 2, 3, 4, 5 जो होता है वहाँ पे कभी किसी पेशेंट को L1, L2 पे हो सकता है हर्निएशन डेवलप हो जाए, L2, L3, L3, L4, L4, L5 खास तौर से इन हिस्सों में जब कमर दर्द की शिकायत होती है स्लिप डिस्क होने के कारण, और वो दर्द जो है वो नीचे जाता है, हिप्स पे पहुंच जाता है, हिप्स से नीचे पैरों पे आने लगता है, तब उस कंडीशन में यदि पेशेंट को सुन्नपन आ रहा है, ये सुन्नपन उसके मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में भी आ सकता है, कई लोगों को अपने लिंग में भी हो सकता है कि सुन्नपन महसूस होने लगे, तब उस कंडीशन में भी ग्नाफेलियम उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें इसकी 30 पोटेंसी यूज़ करना चाहिए, ये मेरे पास इसकी 30 पोटेंसी ही रखी हुई है। तो 30 पोटेंसी की हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को, और इसके साथ जब हम इसको 15 दिन ले लें तो 15 दिन बाद इसके डोज को हाफ कर देना चाहिए, यानी कि केवल सुबह शाम इसको लेना शुरू कर देना चाहिए और फिर उसके 15 दिन बाद केवल एक टाइम इसको लेना चाहिए, धीरे धीरे अंतर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा जानने वाली है और वो ये है कि हमें पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन साथ में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुन्नपन आना, दर्द होना, ये तो इससे ठीक होने लगेगा लेकिन पेशेंट को परमानेंट जैसे क्योर करना है, मान लीजिए किसी को लेफ्ट साइडेड शियाटिका है या किसी को राइट साइडेड शियाटिका है, और राइट साइडेड शियाटिका के केसेस यानी कि व्यक्ति के दाहिने पैर में जब दर्द हो रहा है तब वहाँ पे उसको यदि दबाने से, प्रेशर देने से, बहुत कड़क दबाने से और गर्म चीज़ों की सिकाई करने से रिलीफ मिल रहा है और सुन्नपन भी आ रहा है, तो आप ग्नाफेलियम तो दे ही सकते हैं सुन्नपन को ठीक करने के लिए, लेकिन साथ में आपको मैगफॉस भी देना चाहिए जिससे वो पेशेंट जो है वो परमानेंट ठीक हो जाए। इसी तरह यदि लेफ्ट साइड का केस है तो फिर लेफ्ट साइड से जो भी उसकी मेडिसिन निकल के आती है उस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, आप किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि SBL ही खरीदें, आप रैगबैग खरीद सकते हैं, आप WSI खरीद सकते हैं, जो भी आप चाहें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अनुसार आप वो ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। डोजेज मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप अपने सियाटिका के सुन्नपन को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए।
जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं।